हमारे साथ प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा है जो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चौथे चरण को अगर मिला लिया जाए तो 31 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है कि क्या देख पा रहे हैं आप पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 231 सीटों पर आज मतदान संपन्न होगा? देखिए, जो चुनाव है वो हर चरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को बढ़ा रहा है और मैं समझता हूँ कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार की का जो दोहरा शतक है वो पूरा हो जाएगा और विपक्ष एक बड़ी हार की ओर फिर से जाएगा। वो नया गठबंधन के लिए अपना नया साथी तलाशता हुआ 2024 के लोकसभा के लिए दिखाई पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि ये जो बेजोल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, उनकी अब युग समाप्त हो गया है। अब सकारात्मक जो चर्चा है, सकारात्मक जो पॉलिटिक्स है, उसकी तरफ लोग आगे बढ़े हैं और विकास के मुद्दे के साथ बीजेपी जो बढ़ी थी उसको व्यापक समर्थन मिला है। एक सवाल और है कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा था, इस बार क्या देख पा रहे हैं आप? और लखनऊ में चूंकि आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कह रहा हूं ना कि 9-9 होगा पार्टी और 9 के 9 सीटें भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। डबल इंजन सरकार की बात हो रही है लेकिन विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, आज भी कहा सपा मुखिया ने और बसपा ने भी की सरकार उनकी बन रही है। अब कोई आप किसी से पूछेंगे, आप MIM से पूछेंगे, वो बताएंगे हमारी बन रही है। आप छोटे दल से निर्दलीय जो सहयोगी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे हम अकेली सरकार बना रहे हैं। भले ही वो 10 सीटों पर लड़ रहे हों, भले ही समाजवादी पार्टी 340-345 में लड़ रही हो, लेकिन वो 403 सीटें पा रही है। तो ये दावा कोई भी कर सकता है लेकिन हर दावों से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एक आखिरी सवाल और कि 300 पार के का नारा आपने दिया है, 4 चरणों का मतदान है, 4 चरणों में। मैंने कहा ना कि बीजेपी बड़ी तेजी के साथ में बढ़ रही और जो उसका रथ है, उसके रथ की जो आंधी है वो तूफान में बदल चुकी है। अब जो अंडर करंट था वो हाई वोल्टेज करंट में बैठ के अब विपक्ष को झटका देने की स्थिति में पहुंच गया है। तो ये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि विपक्ष को झटका देने की स्थिति में, करंट देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है और उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा। हाँ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, आपसे ही जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरा ये कहना है कि भाई इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी हमने सुना है, डिप्टी CM UP के, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार फिर से अच्छी खासी जीत उनको मिलने जा रही है, लेकिन आप से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप ग्राउंड पर भी हैं, लगातार लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर के क्या कहा जा सकता है कि कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि जो डैमेज बीजेपी को दे सकते हैं। 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी का दम था 2017 में, लेकिन क्या यही लहर आपको 2022 में भी दिखाई दे रही है? रजत, देखिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे डिप्टी CM दिनेश शर्मा हो या अन्य नेता, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी 300 के पार जाएगी। वो डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार ने जो फायदे उत्तर प्रदेश की जनता को दिए, लेकिन एक बात जरूर है कि विपक्षी दल जिस तरीके से लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रहा है या कोविड की दूसरी लहर में जिस तरीके से दुखद घटनाएं सामने आई थी उसका मुद्दा उठा रहा है, किसानों का मुद्दा उठा रहा है, कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि इस समय कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली, चाहे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और मेरी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब बात होती है तो यही कहते हैं कि उनका मुकाबला सीधे भाजपा के नेता के और सपा का नेता से। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2017 जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने अलग दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंट लगाने का काम भी विपक्षी दल कर रहे हैं और लगातार वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, कोविड काल में जिस तरीके से त्रासदियां सामने आई हैं उसके फ्लेवर को लेकर के वो मुद्दा उठा रहे हैं। जी, तो यानी कि सेकंड फेज में जो कोरोना मिसमैनेजमेंट का जिक्र बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि इसका डैमेज बीजेपी देख पाएगी, हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन चुनावी मुद्दों में विकास के मुद्दे जो बीजेपी दम भर रही है कि इस बार 300 प्लस के टारगेट के साथ एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चलिए एक एक रिएक्शन फटाफट देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ अजय जी, क्योंकि हम रायबरेली सदर सीट का जिक्र करेंगे। अदिति सिंह, आपकी कभी नेता हुआ करती थी, अब बीजेपी के साथ जुड़ गई हैं, आपको लगता है कि पार्टी अंदर खाने भी कई तरफ से डैमेज हुई है? पार्टी व्यक्ति विशेष से ऊपर होती है। अच्छा, अगर कोई सदस्य या कोई व्यक्ति या कोई हमारा कैंडिडेट अगर दूसरी पार्टी में चला गया, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है हर एक की अपनी, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी एक विचारधारा है और बिल्कुल जो हमारे कैंडिडेट उतरे हैं कांग्रेस की विचारधारा से उतरे हैं और निश्चय ही हम जीतेंगे। और इस बार जो परिवर्तन होने वाला है कंचन जी, वो देखने को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है।
कि पिछली बार उन्होंने 51 सीटों पे जीत दर्ज की थी, इस बार उनकी वो स्थिति नहीं है, स्थिति खराब हो चुकी है। चलिए, स्थिति जो है काफी खराब हो चुकी है, ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। परिणाम पहले ऐसे दिखते हैं या उससे बेहतर दिखते हैं बीजेपी के पक्ष में, या फिर कुछ सीटों पर नुकसान भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 2017 का एक बार मैं ट्रैक बता देती हूँ, पीलीभीत 64 सीटों पर बीजेपी थी, लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर बीजेपी, वहीं फतेहपुर की 6 सीटों पर 5 पर बीजेपी, 1 पर अपना दल रही थी। हरदोई जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी थी, 1 पर सपा थी, सीतापुर पर 9 पर बीजेपी थी और 7 पर बीजेपी थी, 1 पर बसपा और 1 पर सपा थी। और फिलहाल रुकेंगे आप।